हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दगड़ियों, पिछला ब्लॉग आपने देखा, आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग इन पहाड़ की खूबसूरत वादियों से, मेरे मालना डान से, और सुंदर से प्यारे से गाँव बुआड़ी की चार से। तो आज हमने क्या करना है कि जो आपने पिछला ब्लॉग मेरा देखा था, मैं सदर से एक तिरपाल लाया था कि अपने इन खेत जो ये मेरे मकान है, मकान की छत में डालने के लिए, ताकि चूहून से बचाया जाए। जो बारिश होती है तो टपकता है, तो कैसे रखना है, क्या रखना है, तो वो सारी चीज़ें आज मैं दिखाता हूँ इसमें। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, और आप बस बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। तो अब हम निकल रहे हैं, तिरपाल ले लिया मम्मी ने और छत में लगाना है, देखते हैं कैसे लगते हैं। और इनकी नहाने की तैयारी हो रही है। ओ बाना, तो नहीं थे कल घामम ना बिहार में घामम, तो धूप में नहाने की बात कह रहा हूँ मैं इनसे कि धूप में नहा लो करके। और फूल क्या जबरदस्त हो रहे हैं हमारे गांव में, देखो ये हमारे घर पे लगा हुआ है गुड़हल का फूल, मैंने किसी पहले ब्लॉग में भी दिखाया होगा आपको। तो अब चल रहे हैं उधर की बाकली में, उस वाले मकान में लगाना, जैसे वो पहले आपने देखा है ना, वो वहाँ पर छत में दिखाता हूँ मैं। देखो तिरपाल डले हुए हैं, तो ये इसलिए डले होते ज़्यादातर छतों में कि लीकेज ना है। अब यहाँ के जो मकान है इस तरीके से छत होते हैं, अब इनका तो जैसे टूट रखा है अभी, तो इन छतों में क्या है कि लीकेज आ जाती है जब बारिश मूसलाधार होती है ना, तो बारिश की प्रॉब्लम अंदर बूंदें पहुँची जाती हैं। तो ऐसे जैसे इन्होंने ढक रखा है, इस तरीके से ढकना है, वो देखना है कि कैसे होगा। पहुंच गए हैं, धूप बड़ी तेज़ है यहाँ से, खतरनाक वाली। और गली तो बहुत अच्छी बना दी है ग्राम प्रधान द्वारा, बहुत बढ़िया हो गया है। तो देखते हैं आराम से चढ़ते हैं ऊपर, कहीं पता चला कि नीचे ना पहुँच जाएँ। ये माल्टा कितने अच्छे हो रहे हैं यह। तो ये छत है देखो, ये वैसे मैंने पूरे बड़े पत्थर लगे हुए हैं छत में हमारे, बट फिर भी पता नहीं लीकेज कैसे आ रहा है, ऐसा मेरी समझ में नहीं आया। इधर तो चलो छोटे पत्थर लगे हुए हैं, कोई कोई बड़े पत्थर हैं। तो पहले भी इसमें मैंने तिरपाल डाल रखा था, और अब मैं जो दिल्ली से लाया हूँ उसको डाल देते हैं, इस वाले को हम दूसरी वाली छत में डाल देंगे। बड़ा डेंजरस है वैसे ये काम, क्योंकि पत्थर फिसलने की डर भी रहती है और खिसकने की डर भी लगती है, क्योंकि नीचे बाँस की नीचे लकड़ी है इसमें, उसके ऊपर फिर दादर रखा होता है, दादर कहते हैं लकड़ियों के पीस बना बना के, उसके ऊपर वैसे मिट्टी से डाल के इस टाइप से करा होता है, तो फिर भी डर तो है ही। मम्मी जाते ठिकाओ पे नहीं जा, तिराए पहुँचा लिए, अल्लाह बताऊँ पै जन गए कहीं नहीं पहुँचन, तिराए जाने की मजे तो ठिकाओ पे जाते कि यहाँ फिर आलू में मजे मुझे सुन जानती कहीं यार, तू ठिकाओ पर पीछे भी क्या हॉल देर वो भी तिराए उसको जाल पाए नहीं यार, तय 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 नहीं कहा भेड़न पकड़ो नहा चली तिराए पर चल जाल फिर भाई, उसका डबल नहीं तो और डबल लगा उठ सर काम खुद करना पे कौन दीपू है उसको दिखो मैं उधर कि उसका दीवार टेढ़ रहे उधर, और दनारा पर हम जाना बिल्कुल। तो ये वाली जो मैट हमने बिछा रही है इसको हटा देंगे यहाँ से, और अब मैं जो दिल्ली से नहीं लाया हूँ इस वाली मैट को बिछाएंगे, देखते हैं कितनी आती है, पूरी आती है क्या होता है। क्योंकि जो बड़ा वाला मकान दिख रहा है हमारे उधर वाला है, इसमें भी लीकेज है थोड़ा सा, तो उसमें भी करेंगे बाद में। अगर पैसा ठीक ठाक आ जाएगा तो इनको लेंडर वाला कर देंगे फिर, जैसे भाई साहब ने कर रखा है। फिलहाल की ये टेम्परेरी व्यवस्था है। कहाँ जा रही है? ये तो मोटा वाला है ना, सही तो है। यहाँ पे और इस तिरपाल के ऊपर अब पत्थर रख देते हैं हम, ताकि ये उड़े ना, और देखो कितना चलता है, जितना भी चलेगा। फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था है, तो मैंने तो ऐसे ही करते से बारिश का बचाव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जा रही है चाची, हमारी भी
हम ऐसे लगाते हैं डिब्बे में, दूध भी निकाल के ले आएंगे अभी। तो फिर हमारे घर रख देना, फिर निकाल के ले आओगे तो ठीक है। आ जाना, क्यों तुम्हारे घर क्यों रखेंगे, तुम हमारे घर को दूध पीने के लिए आ जाना। ये कावा को निकाल दिया है ना, चीजें तुम हमारे घर आ जाना। ठीक है ठीक है, ओके। तो मैं कावा पे मत उधर कभी चप्पल पहने, चप्पल पहने। वो मैं लगा ले को आप खाली बर्बाद कर दे पड़ी जाओ एक काम धर दो मत बे। काले दिन को लागनी वो आ जाएंगे बोलो पता नहीं मिलने को दी जाओ जी बोलो पता नहीं समझ नहीं तो बहु में हो भाभी जा रही है, अगर किसी को नारंगी खाने हो तो कांटेक्ट करें। भाभी के पास बहुत नारंगी है, जिसको संतरा खाने है तो किसार आ जाओ। किसार आ जाओ। नारिंग का चाय है कि यार नेल एक ला, एक लला बच्ची भरी एक लला थैल। ये पूरा हिमालय दिखता है, ये दिख ही तो रहा है, ये इधर दिख रहा है, ये पीछे ये देखो, ये दिख रहा है हिमालय पूरा। तो यहाँ की छत हमने कर दिया कंप्लीट। आई होप अब की आपकी इसमें पानी की लीकेज नहीं होगी, बरसात में जो पानी नीचे गिरता है और वो लकड़ी को ख़राब नहीं करेगा क्योंकि बल्लियाँ लगी होती है इसमें। और देखते हैं बाकी जो उधर वाले मकान है बड़े वाला। एक छत कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं घर और यहाँ पर माल्टा की व्यवस्था हो गई है, घर पहुँच गए हैं। और यहाँ पर आज कपिल ने सारा कारोबार संभाल रखा है माल्टा खिलाने का, तो आज ऐसे करके माल्टा खाए जाएंगे। कल हमने अच्छे से छिल के पूरा खाया था, पर ऐसे भी मज़ा आता है खाने में, तो अब खाया जाएगा ऐसे। तो पहाड़ों में ये मज़ा जो है ना जैसे ड्रीम इलेवन में नहीं बना, मिल नहीं सकता यार कहीं और। मैं खालूंगा तुम ड्रीम देखो खेलूंगा अपना खुद का पेड़ है माल्टे का और माल्टा खाओ, तो ये चीज़ें पहाड़ों में ही हो सकती है भाई और कहीं नहीं हो सकती। वाह लागड़ा नहीं मोदी की देखो तू नाई देखो कनेल का भाई लागड़ा नहीं किया हुआ लागे क्यों हुआ। चलो भाई धार मेरे नींद आ रहा आज अब तुम कम से धार जुल मैं कह रहा धारा चलो आपके सामने ना आता हूं और मेरी ये सही है ये और रमेश जी को मैं बनाओ बनाओ अब ये तो मैं नाने की जरूरत भी नहीं है, लग रहा है अभी ना है। इतने माल्टा आज तो ऐसा हो गया पेट भर गया मन नहीं भर रहा वाली बात हो गई। ओ गजब यार क्या हो गए भैंसे भैं नहीं खाने नुँ। तो ये छत भी हमने कर दिया कंप्लीट इस साइड वाली और ये त्रिपाल भी यहाँ लगा दिया है, ये बड़े वाला मकान है इसमें भी इस साइड से कवर कर दिया है पूरा।
अरे उनर वो आरोवल डॉक्टर आवा भैंसा लीजी तो सुई लगाना भैंस पकवान हॉल। और छत से मेरा व्यू है, अगर कल को मैं लेंटर वाला बना दूँ तो ऐसा व्यू आएगा यहाँ से। तो दगड़ियों आपने देखा कि आज मैंने छतों की रिपेयर कर दी है। सदर बाजार से जो मैं तिरपाल लेके आया था वो तिरपाल मैंने छतों में बिछा दिया है। अब डिपेंड करता है बारिश पे कि कितनी तेज़ बारिश आती है, कुछ तो रुकेगा पानी का टपकना, तो बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं क्लोज करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल बैक टू पहाड़। और अगर ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कीजिए चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।